हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फंक्शन और आज से एक्चुअली हमारा बेसिक फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह स्टार्ट होगा। अभी तक हम ये समझ सकते हैं, अभी तक हमने बहुत बेसिक चीज देखी थी, अब एक्चुअल फंक्शन स्टार्ट होगा। अब हम आज की क्लास में देखेंगे फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हम फंक्शन को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो लिख लेता हूं मैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो देखो, फंक्शन बेसिकली है क्या, जैसे मैंने बोला एक मशीन टाइप का है, दिस इज लेट्स से फंक्शन। उसमें क्या होगा, बेसिकली हम कुछ इनपुट देंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। एक तरीके का मशीन बोल सकता हूं, जो कुछ इनपुट दे रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है। जो इनपुट होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स होता है, आउटपुट क्या होता है हमारा, वाई होता है। इतना तो अभी हमें पता है। अब हम कोर डेफिनेशन देखेंगे, करेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। तो अब लिख लो इसको, अब फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स, मतलब मैंने माना फंक्शन एफ एक्स क्या करेगा, अ फंक्शन एफ एक्स क्या है, इज अ रूल, एक रूल, एक तरीके का रूल है, विच रिलेट्स या फिर बोल सकते हैं विच मैप्स, ऐसे लिख लो, और विच रिलेट्स और विच मैप्स ईच एंड एवरी, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ईच एंड एवरी। अच्छा, इस वर्ड पे अंडरलाइन कर लो, अब इस पे आएंगे हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट, एंड हियर यू मार्क अंडरलाइन दिस वर्ड यूनिक, ठीक है। ये दो पार्ट हमारे डेफिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले लिख लेते हैं हम। तो क्या लिखा, गिवन एलिमेंट सेट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर गिवन सेट बी, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा कंटिन्यूशन और लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। जो सेट ए है उसको बोलते हैं हम डोमेन, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन सेट, या फिर सिंपली डोमेन, एंड द सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। ये तुम्हारे लिए नया टर्म है, तो इसको लिख लो, अभी हम समझेंगे बेसिकली, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, पहले इस डेफिनेशन को लिख लो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो, अब उसने क्या बोला है कि एक फंक्शन क्या, एक रूल है, ठीक है, जो क्या करेगा, मैप करेगा, इट इज बेसिकली मैपर बोल सकते हैं हम, एक मैपिंग मैपिंग मशीन है जो इनपुट को आउटपुट से मैप करेगा। लेट्स से मैंने बोला ये मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमारा जो इनपुट है लेट्स से वन, इसको आउटपुट से मैप कर रहा है, एंड आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू वन इज अगेन वन स्क्वायर ओनली। मैंने बोला टू एलिमेंट है, फिर ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, रिलेट करेगा या मैप करेगा इस टू को किससे करेगा, टू स्क्वायर मतलब फोर से, समझ में आया। अच्छा, और जैसे मैंने बोला कि हम इस डेफिनेशन में ये दो टर्म्स को इंपॉर्टेंस देंगे, तो उसको समझने के लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना, और मैं एक ये रब कर देता हूँ नीचे, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। क्या बोला मैंने, देखना कि जो फंक्शन है वो क्या करेगा, बेसिकली मैपर का काम कर रहा है, वो मैपिंग कर रहा है बेसिकली इनपुट से आउटपुट के लिए, ठीक है। तो देखना, मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा सेट ए है एंड दिस इज माय सेट बी, और मेरा फंक्शन इधर से इधर है, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अभी हम लिखेंगे भी फंक्शन को, नोटेशन क्या होता है वो हम देखेंगे कुछ देर में। चलो, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने क्या बोला, फंक्शन क्या करेगा, इसके हर एक एलिमेंट को मैप करेगा। तो लेट्स से मेरा सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट्स है, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, और लेट्स इसमें भी मैंने, चलो इसमें चार एलिमेंट ले लेता हूँ, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, बीटा फोर, ठीक है। सेट ए कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स, दैट इज अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। सेट बी कंटेन्स फोर एलिमेंट, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, बीटा फोर, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जो फंक्शन है वो क्या करेगा, मैप करेगा इसके हर एक एलिमेंट को, इसके एक यूनिक एलिमेंट से। तो पहले हर एक एलिमेंट मतलब क्या है, कि जो ये सेट है, जैसे मैंने लिखा अल्फा वन को बीटा वन से मैप किया, फिर अल्फा टू को बीटा टू से मैप किया, और लेट्स अल्फा थ्री को भी मैंने बीटा थ्री टू से मैप किया। सुनना, दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन। अब देखना, मैंने क्या बोला, ईच एंड एवरी मतलब क्या हो गया, तो मैंने लिखा था सेट ए का फंक्शन क्या करेगा, मैप करेगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट
should be left. मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट शूट यूज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. दूसरी बात, अब यूनिक पे आते हैं. यूनिक मतलब क्या है कि अल्फा वन अगर बीटा वन से रिलेट है या फिर मैप है, तो अल्फा वन दूसरे एलिमेंट से मैप नहीं हो सकता. मतलब ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता कि लेट्स से ये अल्फा वन है और ये बीटा वन है और ये बीटा टू है, और लेट्स से ये अल्फा टू है, ये अल्फा थ्री है, और लेट्स से ये बीटा थ्री है और ये बीटा फोर है. दिस इज नॉट अ फंक्शन. क्या हो रहा है इसमें? अल्फा वन यूनिकली रिलेट नहीं हो रहा ना. अल्फा वन बीटा वन से भी रिलेट हो रहा है, बीटा टू से भी रिलेट हो रहा है. अच्छा, फंक्शन के टर्म्स में क्या बोलेंगे? जैसे मैंने इनपुट अल्फा वन दिया और मुझे दो आउटपुट मिल रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना. एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलेगा. हाँ, उल्टा हो सकता है. उल्टा मतलब दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल सकता है. मतलब द सिनेरियो इज, देखना मैं क्या डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है. मतलब एक सेट ए के एक एलिमेंट से दो ऐसे लाइन निकले, बट हाँ ऐसे हो सकता है जो हमारा ऊपर दिया भी है. दिस इज पॉसिबल. मतलब दिस इज अल्फा वन, लेट्स से दिस इज बीटा वन, दिस इज बीटा टू, और लेट्स से दिस इज अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन. तो देखो क्या होगा, अल्फा वन यूनिकली रिलेट नहीं हो रहा, बीटा वन से भी रिलेट हो रहा है, बीटा टू से भी रिलेट हो रहा है. इसका मतलब ऐसा नहीं चलेगा, फंक्शन नहीं है फिर ये. सिमिलरली अब इधर देखो, इधर क्या है, अल्फा वन बीटा वन से रिलेटेड, अल्फा टू बीटा टू बीटा वन से रिलेटेड, ये चलेगा. वो इधर हो भी रहा है, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री बीटा टू से रिलेटेड है. क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या बोला मैं? कि एक तो बिल्कुल दिमाग में रख लो कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा. जैसे मैंने लिखा, लेट से मैंने ऐसे लिखा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और लेट से इधर ले लिया बीटा वन बीटा टू, चलो बीटा वन बीटा टू लिए. मैंने इसको इससे रिलेट किया, इसको इससे रिलेट किया. मैंने कहा दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा. लिख लो इसको, दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर अल्फा थ्री छूट गया, और मैंने क्या लिखा है, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट फ्रॉम सेट ए. जो डोमेन वाला सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. इधर छूट गया अल्फा थ्री, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. लिख लेना दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज अल्फा थ्री हैज अल्फा थ्री इज नॉट मैप्ड. ऐसे लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट छूटा हुआ है अल्फा थ्री. अगर मैंने ऐसे लिखा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और इधर लिख दिया बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, और लेट से मैंने ऐसे लिख दिया. अच्छा चलो इसको एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, लेट से इधर बीटा फोर भी है, फिर मैंने ऐसे लिखा. तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? अब देखो वो चीज तो यूज हो रही है, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट, वो तो ठीक है. अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तीनों यूज हुए हैं, बट इधर इधर किस कारण से ये फंक्शन नहीं बना? यूनिक वाला जो सेकंड इंपॉर्टेंट दिया था, अंडरलाइन किया था, अल्फा वन इज नॉट यूनिकली रिलेटेड. वो बीटा वन और बीटा टू से रिलेटेड है, दोनों से यूनिकली रिलेटेड नहीं है. मतलब एक एक्स के लिए हमें दो वाई मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने इधर बोला था एक एक्स के लिए दो वाई नहीं चलेगा. हाँ, दो एक्स के लिए सेम वाई चलेगा. क्लियर है बच्चों? काफी एम्फसाइज दे दिया हमने इस पर, ठीक है. तो वीडियो पॉज करो, ये सब चीज लिखो, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना. चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा चलो अब देखना, अब जैसे तुम्हें अब हम जो रेंज पढ़ते हैं, रेंज क्या होता है बेसिकली? जैसे जो इनपुट मिले मुझे, रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कि जो इनपुट होता है एक्स, उसको मैं फंक्शन में डालता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई मिलता है मुझे, उसका कंप्लीट सेट इज रेंज. तो आपको सोचो इस डायग्राम के हिसाब से, मान लो मुझे इस फंक्शन एफ का डोमेन रेंज और कोडोमेन तीनों लिखना है, ठीक है. तो डोमेन तो मैंने जैसे डेफिनेशन बोला कि सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे हमारे? डोमेन के अंदर हो जाएंगे कर्ली ब्रैकेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. सिमिलरली कोडोमेन, ये भी हमने डेफिनेशन में देखा कि सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन सेट. तो इस डायग्राम के हिसाब से कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा? कोडोमेन इज कर्ली ब्रैकेट बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड लास्टली बीटा फोर, ठीक है. अब आते हैं मेन पॉइंट, दैट इज रेंज. अब बेसिक डेफिनेशन यूज करो रेंज की. मैंने क्या बोला कि जो भी इनपुट है हमारे पास, उसको मैंने फंक्शन में डाला और हमें जो आउटपुट मिला उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट? रेंज. तो अब देखो, अल्फा वन डाला बीटा वन मिला, तो इसमें बीटा वन आ गया. अल्फा टू डाला बीटा टू मिला, तो बीटा टू आ गया. अल्फा थ्री डाला बीटा टू मिला, बीटा टू लिख लिया, ऑलरेडी लिख लिया. बस इतना ही हो जाएगा हमारा रेंज. अब मेरे पास और कोई इनपुट तो बचा नहीं है, समझ में आया? तो रेंज इज बीटा वन कॉमा बीटा टू. अच्छा, इन दोनों से कुछ कंक्लूजन निकला? इन दोनों से कुछ कंक्लूजन निकला कि जो रेंज होगा, रेंज विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू कोडोमेन.
मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे बोलूंगा, रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, एक कोडोमेन का सबसेट होगा, बराबर हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता रेंज, रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो लिख लो रेंज ऐसे भी लिख लो, लेस देन इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट इज रेंज। एक्चुअली सबसेट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, बट वो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लेस देन इक्वल्स टू लगाया, दिस इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और इसका मतलब क्या लिखा, रेंज रेंज इज प्रॉपर, नॉट प्रॉपर एक्चुअली, प्रॉपर का मीनिंग अलग होगा वो मैं बताऊंगा, रेंज इज सबसेट, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। प्रॉपर मतलब होता है हमेशा छोटा हो, बट सबसेट मतलब बराबर या छोटा, ठीक है ना। इधर प्रॉपर लिखता तो फिर क्या बोलता, रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होता है, ऐसा नहीं है, बराबर भी हो सकता है। लेट्स से इधर एक और एलिमेंट होता, मैं इधर मैप कर देता बीटा थ्री और बीटा फोर से, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों क्या लिखना है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होगा। अभी हम ट्रू फॉल्स में एक दो एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। मैं बोलूंगा विच ऑफ द फंक्शन इज विच इज नॉट अ फंक्शन, ऐसे डेफिनेशन बोलूंगा, फिर बोलूंगा विच इज नॉट अ फंक्शन, क्लियर है। तो रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो तो इतने पार्ट में अभी हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल करते हैं। देखो फंक्शन क्या करेगा, एक मशीन है जो इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, ठीक है। जो इनपुट वाला सेट है, जो इनपुट वाला सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन का सेट, ठीक है। मैंने और फिर क्या लिखा हमने कि मैप करेगा एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से, तो सेट बी को क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन का सेट, ठीक है। ये बात फिर हमने बोला कि जो सेट ए है जिससे वो इनपुट ले रहा है उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इज कि ये हर एक एलिमेंट जो है ना वो यूनिकली रिलेट होना चाहिए, मतलब अल्फा वन अगर बीटा वन से रिलेट हो रहा है तो फिर वो दूसरे बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर से रिलेट नहीं होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। फिर हमने देखा रेंज वाला पार्ट, मैंने क्या बोला कि जो रेंज है, रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी हम इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिला उसका कंप्लीट सेट। तो मैंने इधर अल्फा वन दिया, अल्फा टू, अल्फा थ्री दिया, इनके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट क्या मिला, केवल बीटा वन और बीटा टू, हैंस रेंज का पार्ट क्या होगा, केवल बीटा वन और बीटा टू, ठीक है। फिर मैंने देखा कोडोमेन और रेंज में क्या होगा, हमेशा रेंज जो होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा, सबसेट होगा इसका मतलब कोडोमेन से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इतना पार्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब मैं आगे मूव करता हूं। अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट नोट पे, जो मैं पहले भी बहुत बार रेफर कर रहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आते हैं उसके एक्चुअल मीनिंग पे, ठीक है। मीनिंग मतलब डेफिनेशन ही बहुत छोटी सी पार्ट है। देखो वो वेरिएबल, द वेरिएबल ऐसे लिख लो, द वेरिएबल विच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सेट A, that is from domain set is called independent variable, और generally हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम y as a function of x लिखते हैं। तो इधर लिख लो generally x, जरूरी नहीं हमेशा x हो, बट जनरली x। तो समझ में आया, वो वेरिएबल जो अपनी वैल्यू कहां से लेगा, डोमेन सेट से, दैट इज मींस सेट a से। जो मैंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, सेट a से सेट b ना, सेट a से सेट a को एलिमेंट को वो b के एलिमेंट से मैप कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो क्या बोलूंगा मैं, जो वेरिएबल सेट a से अपना वैल्यू ले रहा है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल हो गया, ठीक है ना। जैसे अब हमने उधर जो डोमेन वगैरह की डेफिनेशन पढ़ी थी उधर, तब मैं उस टाइम क्या बोल रहा था कि x की अलाउड वैल्यूज, बट x क्या था उधर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी डोमेन की, अलाउड वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिख लो उधर डोमेन की डेफिनेशन, अब क्या लिखूंगा, अलाउड वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। क्लियर है बच्चों, एक बार लिख लो डोमेन की डेफिनेशन, हमें अपन रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज मतलब उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, The set of values of independent variable, लिख लो चलो, the set of values of
इंडिपेंडेंट, पहले मैंने क्या लिखा था इंडिपेंडेंट की जगह एक्स लिखा था, बट अगर मुझे जनरलाइज नहीं लिखना, मतलब जरूरी नहीं है कि एक्स एफ हमेशा एक्स का फंक्शन हो, जेड एज अ फंक्शन ऑफ टी भी लिख सकते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ टी भी लिख सकते हैं, तो उधर हमारा टी आ जाएगा। तो जनरल स्टेटमेंट क्या होगा, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड इज नथिंग बट डोमेन, या फिर सिंपल बहुत आसान भाषा में क्या बोलूंगा, अलाउड वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो लिखी लो इसको भी, अलाउड अलाउड वैल्यूज, और अलाउड कौन सी होंगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा, मतलब वही हुआ ना, अलाउड वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बच्चों? अच्छा तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट का, अब हमारा डिपेंडेंट आ जाएगा। तो डिपेंडेंट के लिए ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारा वो वेरिएबल जो अपनी वैल्यू सेट बी से ले रहा है, दैट इज फ्रॉम कोडोमेन सेट। तो लिख लो इसको, द वेरिएबल विच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सेट बी, दैट इज फ्रॉम कोडोमेन, that is from codomain set, is called dependent variable, is called dependent variable। अच्छा अभी तक हम क्या बोलते थे, हम y लेते थे, तो generally क्या होगा y, या usually y, जरूरी नहीं है y हो, but usually we take y, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं, y is equal to f of x, some function of x, that is let's say x square minus x, तो y as a function of x लिखते, तो y is independent variable, x is dependent, तो usually y है, लेकिन जरूरी नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z is equal to t square minus t, तो z मेरा t का function हो गया, t मेरा independent हो गया, z मेरा independent हुआ, sorry z dependent हुआ, t मेरा independent हुआ, t will take value from set A, that is from domain set, and z will take value from codomain set, तो usually y लिखा मैंने, क्योंकि generally हम y as a function of x लिखते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं range की definition क्या बोलूँगा, the set of ऐसे लिख सकते, the set of values of dependent variable, y की values का complete set को we are calling it as range। clear है बच्चों? तो लिखने की जरूरत क्या नहीं है, अगर लिखना है तो you can write out the set of values of dependent variable वाला ऐसे ही बोल सकते, और उधर हमने क्या लिखा था, the set of obtained values of y, जो x मिला था मुझे domain को, उसमें उसको मैंने function में रखा, उसके corresponding जो मुझे y मिले उसका complete set is अपना range, और इधर हम मैं y को क्या रेफर करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप क्लियर हुआ होगा तुम्हारा वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है ना, याद रखना। चलो इधर लिख लो, ये t मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट, और मेरा z क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, t पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूं। चलो अब देखना, अब एक नोट और लिखवा रहा हूं। नोट क्या है, देखो जैसे मैंने अभी बोला कि अभी जैसे फिगर बनाया था, तो मैंने लिखा लेट्स से ये सेट ए है मेरा, और ये मेरा फंक्शन है, वो सेट बी से मैप हो रहा है, और लेट्स से इसके अंदर एक एलिमेंट है लेट्स से अल्फा, और ये लेट्स से बीटा है, तो इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, तो उसको मैं लिख रहा हूं नोट के फॉर्म में। कैसे लिखूंगा, देखो मैंने लिखा इफ फंक्शन एफ रिलेट्स, या फिर मैप्स रिलेट्स अल्फा, वेयर माई अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन सेट, domain set, if a function f relates alpha to the beta, where my beta belongs to codomain set, if a function f relates alpha, where alpha belongs to domain set, to an element beta, where beta belongs to codomain set, then it can be mathematically expressed as, then it can be mathematically, then it can be mathematically expressed as
ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वही चीज है, सिंपल सी चीज है कि एक्स के एफ एक्स में एक्स के अल्फा रखा तो वाई मुझे क्या मिला, बीटा। तो इसमें इससे इससे क्या बोलूंगा मैं, अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक नोट बहुत ज्यादा यूज होता है लैंग्वेज में, हम बीटा को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ अल्फा। तो लिख लो वेयर बीटा इज, वेयर बीटा इज कॉल्ड इमेज ऑफ अल्फा फॉर द फंक्शन एफ, या फिर अंडर द फंक्शन एफ, अंडर द फंक्शन एफ, एफ के अंदर अंदर हम क्या बोलेंगे, अगर बीटा अल्फा ने बीटा को रिलेट किया है तो बीटा इज कॉल्ड इमेज, मतलब बीटा क्या है, अल्फा का इमेज। और उल्टा क्या बोलेंगे, अल्फा को क्या बोलेंगे, बीटा का प्री इमेज। तो ये भी लिख लो, वेयर अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ किसका प्री इमेज होगा, अल्फा बीटा का प्री इमेज ऑफ बीटा अंडर द फंक्शन एफ। क्लियर हुआ, बहुत छोटा सा चीज है। क्या होता है, जैसे अभी हम डेफिनेशन भी लिखेंगे कुछ कुछ, जैसे रेंज की भी अभी मैं लिखूंगा, फिर आगे जो क्लासिफाई करेंगे फंक्शंस इनटू ऑनटू वगैरह, उसमें भी मैं ये टर्म यूज करूंगा, इमेज एंड प्री इमेज। तो इसलिए अभी इसको अच्छे से समझ लिया, इमेज किसको बोलेंगे, बीटा को। किसका किसका इमेज है, बीटा अल्फा का। और अल्फा को क्या बोलेंगे, प्री इमेज, किसका, बीटा का। क्लियर है, जैसे मैंने ऐसे लिखा, जैसे मैंने चलो इधर लिख दिया वन और ये लिख दिया टू, दिस इज अंडर द फंक्शन एफ। तो टू इज कॉल्ड इमेज, किसका, वन का, एंड वन इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ टू अंडर द फंक्शन एफ, एफ के अंदर अंदर, क्योंकि हम ये एफ से एफ एफ ही हमको वन को टू से रिलेट कर रहा है ना, मैप कर रहा है। तो वन इज कॉल्ड प्री इमेज, टू इज कॉल्ड, इधर डायग्राम से भी लिख लो, टू इज कॉल्ड इमेज और इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। टू इज कॉल्ड इमेज, वन इज कॉल्ड प्री इमेज। अच्छा, अब सोचो, अब मान लो मुझे रेंज की डेफिनेशन बोलनी है इन टर्म्स ऑफ दिस प्री इमेजेस एंड इमेज, व्हाट यू विल टेल, पहले वीडियो पॉज करके खुद से लिखो। मैंने बोला कि रेंज की डेफिनेशन लिखो, रेंज की इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एंड प्री इमेजेस, तो क्या लिखोगे तुम लोग, जस्ट ट्राई ऑन योर ओन। अब मैं बता रहा हूँ, देखना, अब मेरा टू बेसिकली है क्या, रेंज का एलिमेंट ना, और टू है क्या, इमेज। सिमिलरली अगर मान लो इधर लेट्स से फोर है और फोर ने थ्री को मैप किया, और मेरा इधर फाइव है उसने भी थ्री को मैप किया, और इधर लेट्स से फोर है, तो इस डायग्राम के हिसाब से कोडोमेन में तो टू थ्री फोर आ रहा है, रेंज में क्या आ रहा है, टू और थ्री। अच्छा, फोर क्या इमेज है किसी एलिमेंट का, नहीं, टू और थ्री क्या है, मेरे इमेजेस हैं, तो डेफिनेशन जनरेट हो गई, रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इमेजेस। क्या लिखूंगा, रेंज इज सेट सेट ऑफ इमेजेस अंडर द फंक्शन एफ, लिख लो अंडर द फंक्शन एफ, मतलब इमेजेस के कंप्लीट सेट को मैं रेंज बोलूंगा। फोर देखो, फोर जो एलिमेंट है दैट इज पार्ट ऑफ रेंज, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है बच्चों, इस डायग्राम के हिसाब से। तो मेरा रेंज क्या हो गया इस डायग्राम के हिसाब से, टू एंड थ्री, क्योंकि टू एंड थ्री आर ओनली इमेजेस फॉर दिस फंक्शन एफ। क्लियर है बच्चों, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब जैसे इमेजेस, प्री इमेज देख लिया मैंने, इसी के टर्म्स में मैं जो मैंने बेसिक डेफिनेशन में जो यूज किया था, ईच एंड एवरी एलिमेंट या फिर यूनिक एलिमेंट, उसको मैं कैसे लिखूंगा, कि जैसे नोट के फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे लिखूंगा, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव अ इमेज। क्या लिखूंगा, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर अ फंक्शन, फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफाइंड, क्या होना चाहिए, डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट, हो जाएगा सेट ए का यूज। तो उधर जो मैंने ईच एंड एवरी लिखाया था, उसको मैं इमेजेस के टर्म्स में कैसे बोलूंगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव एन इमेज, शुड हैव एन इमेज। क्लियर हुआ, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। अच्छा, सेकंड चीज मैं वो यूनिक वाले में कैसे करूंगा, इमेज होना चाहिए और एग्जैक्टली एक इमेज होना चाहिए। क्या बोला मैंने, कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ईच एलिमेंट शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज। मतलब जैसे एक एलिमेंट है एक्स वन, तो इसका इमेज केवल वाई वन होना चाहिए, फिर वाई टू नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, वो यूनिक जो था उसके करस्पॉन्डिंग इधर क्या लिखूंगा, ईच एलिमेंट शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज, ईच एलिमेंट
हर एक का इमेज होना चाहिए और एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए. ईच एलिमेंट शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज. ठीक है ना. मतलब ऐसा ऐसे बोल सकते एक एक्स के लिए, सॉरी एक एक्स के लिए मल्टीपल वाई एग्जिस्ट नहीं करते. हाँ, एक वाई दो एक्स के लिए सेम वाई आ जाएगा, बट एक एक्स के लिए दो वाई नहीं आएगा. समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, दिस इज पॉसिबल. इसको मैं रब कर देता हूं, तुम लोग लिख लो. ये चीज पॉसिबल नहीं है, एक्स वन एक्स टू ये चीज पॉसिबल है. अगेन आई एम गिविंग स्ट्रेस, दिस इज पॉसिबल. इसका कहीं जिक्र नहीं किया डेफिनेशन में कि ऐसा नहीं होगा. एक्स वन भी यूनिकली रिलेटेड है y1 से, x2 भी यूनिकली रिलेटेड है y1 से. तो यूनिकली रिलेट होना चाहिए हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिकली रिलेट होना चाहिए. बट ये नहीं चलेगा, x1 के दो इमेजेस नहीं आ सकते. हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली एक इमेज होना चाहिए, और होना चाहिए इमेज. इमेज नहीं होगा तो भी ब्रेक हो जाएगा डेफिनेशन. क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसी चीज को ग्राफिकली समझते हैं. ग्राफिकली लिख लेते हैं कि इस वाले पॉइंट को देखना, मैं लिख लेता हूं, रब कर देता हूं इसको. तो वीडियो पॉज करो और तुम लोग कॉपी करो. मैंने बोला ये जो चीज थी इसको ग्राफिकली कैसे बोलूंगा, कि मेरा कोई फिगर है तो उसको बोलते भी एक्चुअली लैंग्वेज फॉर्म में बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट. क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट. लिख लो ग्राफिकली, लिख लो ग्राफिकली, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि आपको सोचो मेरा एक एक्स वन पे दो वाई वन नहीं मिलना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना. एक्चुअली ये क्रॉस है. तो इसका मतलब क्या है, जैसे मेरा कोई ग्राफ है, अगर मैंने वर्टिकल लाइन खींची मतलब एक्स वन को फिक्स किया, एक्स की वैल्यू को फिक्स किया, तो क्या होना चाहिए, वो जो वर्टिकल लाइन है वो कर्व को केवल एक्जैक्टली एक ही जगह कट करना चाहिए. या तो नहीं कट करे तो केवल एक जगह करे. जैसे ये इधर है तो दिस इज मेरा प्रॉपर फंक्शन. अगर मैंने मान लिया, लेट्स से ग्राफ मेरा ऐसा बनाया, लेट्स से दिस इज द ग्राफ. क्या ये फंक्शन है? हाँ फंक्शन है. तुम एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं मिलेगी जो ग्राफ को दो जगह कट करे. तुम कहीं भी फिगर बना लो, एक जगह कट करी, कहीं नहीं कट की, एक जगह कट की, कहीं नहीं कट की, तो यू कैन सी यू विल नॉट गेट अ सिंगल वर्टिकल लाइन विच विल कट द ग्राफ एट टू पॉइंट. Hence, this is a function. तो मैथमेटिकली ग्राफिकली क्या लिखूं? A vertical line should not intersect curve more than once. क्लियर है? मतलब कोई भी हमें एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जो कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करे, दो या दो से ज्यादा. ठीक है ना? तो फ्रॉम फंक्शन ही बोलेंगे. जैसे उसका मतलब भी क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने ये फिगर बनाया, वो मान लो मेरा कर्व ये है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इज माय वाई एक्सिस, तो ये एक्स वन है, तो इस एक्स वन पे हमें दो वाई वन मिल गए, एक तो वाई वन ये और एक ये वाई टू, तो एक एक्स वन पे दो वाई की वैल्यू मिल गई, हैंस दिस इज नॉट अ फंक्शन. तो वही तो ये बोल रहा है, अगर हमें एक भी ऐसी लाइन मिल गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ मैं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं ये इसको मिटा के करता हूँ. मैंने बोला, सुनना ध्यान से, मैंने बोला ये है मेरा फिगर, लेट्स से 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है? तो फिर मैंने पूछा क्या ये फंक्शन है? तो देखो ये फंक्शन, तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो, मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ फंक्शन. क्यों? केवल एक जगह मार्क खा गया. कहां पे? टू पे एक ऐसी वर्टिकल लाइन मिल जाएगी जो ग्राफ को दो जगह कट करेगी. कहां का कट करेगी? तो 2.5 पे और एक 2.6 पे. वैसे भी दिख रहा है x इक्वल टू 2 पे तुम्हें दो वाई मिल रहा है, एक तो 5 और 6. तो लिख लो इधर, दिस इज नॉट अ फंक्शन. दिस इज नॉट अ फंक्शन. क्या हो रहा है बेसिकली, जो 2 है इसकी दो इमेजेस आ रही है, एक तो आ रही है 5 और एक आ रही है 6 इस डायग्राम के हिसाब से, विच इज नॉट अलाउड. एक एलिमेंट की केवल एक्जेक्टली एक ही इमेज आना चाहिए, या तो नहीं हो इमेज चलेगा, बट हो तो केवल एक ही हो. क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट. अब हम देख लेते हैं फंक्शन को नोटेशन कैसे लिखते हैं हम. जब हम डोमेन, जैसे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जैसे मेरे को फंक्शन लिखना था, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सिंपली लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब डोमेन और कोडोमेन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं और उसको बोलते कैसे हैं वो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. तो मैं इसको रब कर देता हूं, इतने पार्ट को तुम लोग इसको कॉपी करो. देखना मैंने क्या बोला कि फंक्शन को, जैसे मैंने बोला पहले हम क्या लिखते थे,
ऐसे लिखते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डोमेन एंड कोऑर्डिनेट। ये भी प्रॉपर ही है, देखो अगर इतना दिया विच इज अ वैलिड फंक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हमें डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका कर्व क्या होगा मेरा, दिस इज अ पैराबोला लाइक दिस, क्लियर है। बट अब मान लो मुझे पूरा फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे इसका कुछ पार्ट ही चाहिए, तब मैं कैसे लिखूंगा, तब फिर मुझे प्रॉपर डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। कैसे, देखो मैंने लिखा एफ डिफाइन फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं एफ कोलन और इसको लिखते हैं ए टू बी। पहले इसको लिख लो, रीड कैसे करते हैं, पहले इतने को रीड करना लिख लो, दिस इज द फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट, द फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पहले इसको याद रखना है कैसे रीड करते हैं, फंक्शन एफ कोलन रहता है, दिस इज द नोटेशन टू राइट एंड दिस इज हाउ टू बी रीड इट, द फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा फिर सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन सेट, ये तो मैंने सब बता दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये जरूर लिखो दिस इज को डोमेन, ठीक है। अब आते हैं हम, तो मुझे मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लिखना है, तो क्या लिखूंगा, एफ डिफाइन फ्रॉम, अब देखो अब मुझे ना क्या करना है कि केवल मुझे लेट से जीरो क्लोज से इन्फिनिटी तक जाना है, मतलब मुझे केवल इतना पार्ट चाहिए। तो अगर मैंने बोला इसका कर्व ये है तो गलत हो जाएगा ना, इस ग्राफ इस ये वाला ग्राफ अगर ये बोलूं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका तो कुछ पार्ट गायब है। अब मान लो मुझे इसको रेफर करना है, लेट से मुझे इस फंक्शन को लिखना है मैथमेटिकली, कैसे लिखूंगा, तो देखना डोमेन क्या है इसका, अभी एट प्रेजेंट डोमेन क्या है, जीरो क्लोज से इन्फिनिटी, तो इधर लिखूंगा एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए, और सेट ए क्या होगा, जीरो क्लोज से इन्फिनिटी टू। अच्छा अब इधर क्या है ना, इधर तुम्हें क्या लिखना है, वो एलिमेंट लिखना है, मतलब इधर क्या लिखोगे तुम, रेंज नहीं लिखोगे, रेंज मतलब ये बोलूंगा एक ऐसा सेट लिखूंगा जो रेंज रेंज जिसका सबसेट हो, मतलब उस सेट के अंदर रेंज के तो सारे एलिमेंट आना ही चाहिए कम से कम, उससे बड़ा हो सकता है। तो लेट्स से मैं इधर ऐसे लिख लेता हूं, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा इस पर्टिकुलर के लिए लेट्स से जीरो टू इन्फिनिटी विच इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट, अगर मैंने ऐसे लिखा माइनस वन टू इन्फिनिटी विच इज परफेक्ट करेक्ट, मैंने लिखा सेट आर विच इज करेक्ट, बिकॉज रेंज जो है एक्चुअल रेंज इन तीनों का सबसेट है, तो ऑल थ्री आर करेक्ट। हाँ लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया लेट्स से वन क्लोज से इन्फिनिटी, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज रॉन्ग, समझ में आया क्यों, बिकॉज इधर कोडोमेन क्या है, वन टू इन्फिनिटी, और हमारा रेंज क्या आ रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी, तो रेंज क्या कोडोमेन का सबसेट हुआ, नहीं, हैंस दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एक काम करता हूँ, रब करके ना साइड में और एक बार और बताता हूँ, सुनना क्या बोला मैंने, जैसे मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक एक इलस्ट्रेशन और लेता हूँ। मैंने बोला कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है, और मुझे इसका पूरा कर्व नहीं चाहिए, लेट से इसका कर्व ऐसे होता है, तो लेट से ऐसा है और मैंने इतना लिया, लेट से ये भी रब कर दिया, चलो मैं डैश बना देता हूँ सो देट लगे तुम्हारा ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, दिस इज वन, और वन पे कितना वैल्यू आता है, वन क्यूब विच इज वन, और लेट से मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ टू, और ये मेरा हो गया टू पे एट, ठीक है, ये मेरा कर्व हो गया, और मेरे को केवल कितना कर्व चाहिए, देखो इतना कर्व चाहिए, तो मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूं इसको, सुनना ध्यान से, एक तरीका तो क्या है, मैं ऐसे लिख लूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर माई कोलन x बिलोंग्स टू वन क्लोज से टू क्लोज, एक तरीका तो ये है मेंशन करने का। अब रेंज और कोडोमेन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, अब देखना ध्यान से देखना, एफ डिफाइन फ्रॉम कोलन सेट ए, मतलब सेट ए में क्या होना चाहिए, डोमेन का कंप्लीट वैल्यूज, तो डोमेन की कंप्लीट वैल्यूज क्या, वन क्लोज से टू क्लोज, तो वन क्लोज से टू क्लोज, एरो डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट बी क्या होना चाहिए, ऐसा सेट होना चाहिए उसमें रेंज के सारे एलिमेंट्स कवर होना चाहिए, तो लेट से मैं क्या लिख सकता हूँ, वन से एट लिख सकता हूँ विच इज करेक्ट। अच्छा क्या मैं जीरो से एट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेंज इज एक्चुअल रेंज क्या है, वन से एट विच इज सबसेट ऑफ दिस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज इधर तुम कोडोमेन लिखते हैं, रेंज नहीं लिखते हैं, रेंज से बड़ा सेट लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल दूंगा चलो ठीक है। फिर मैंने लिखा लेट से आर लिखा ऑल रियल वैल्यूज, तो भी चलेगा बिकॉज रेंज इसका सबसेट है ऑल रियल वैल्यूज का। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया लेट से थ्री बाय टू से टू, ये नहीं चलेगा,
बिकॉज रेंज इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज दिस इज द कोडोमेन अकॉर्डिंग टू, ये देखो इधर मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है, पूरा लिखना है इधर तुम्हें, ये भी लिखना है, ठीक है। अब देखो 3/2 से 2, क्या ये जो सेट है ये कोडोमेन अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, क्या रेंज इसका सबसेट है? नहीं, रेंज तो 1 से 8 है ना, और ये क्या लिखा है, एक मिनट, ये 2 नहीं, ये तो चलो मैं इसको भी 8 कर देता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्या ये करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है, समझ में आया, क्योंकि इधर 3/2 से स्टार्ट हो रहा है ना, कम से कम 1 से स्टार्ट होना चाहिए, पीछे कितना भी जा सकते हैं। अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया, चलो चलो 1 से तो स्टार्ट किया, और लेकिन मैंने 8 पे चलो ओपन लगा दिया, तो भी गलत हो जाएगा, 8 पे ओपन भी नहीं चलेगा, 8 पे क्लोज ही चाहिए, बिकॉज 8 शुड ऑल्सो, 8 इज अ पार्ट ऑफ रेंज, बट 8 कोडोमेन में तो है नहीं, तो रेंज कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हाँ, तो अब हम क्या देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखो फंक्शन को ना क्लासिफाई करने के 4-5 तरीके हैं, हम एक एक करके देखेंगे, आज की क्लास में हम कवर करेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज इनटू ऑनटू फंक्शन। क्या है फर्स्ट क्लासिफिकेशन? इज इनटू, INTO, इनटू ऑनटू, इनटू ऑनटू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जेई में इसके ऊपर, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं इनटू फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, इनटू फंक्शन, फिर हम इनटू ऑनटू को देखेंगे। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जिसके लिए जो मेरा रेंज है ना वो हमेशा कोडोमेन से छोटा होगा। क्या लिखूं मैं? जो रेंज होगा वो हमारा कोडोमेन से हमेशा छोटा होगा, वो फंक्शन मेरे क्या होंगे? इनटू। तो फॉर इनटू फंक्शन, द फंक्शन फॉर विच, ऐसे लिख लो डेफिनेशन वाइज, द फंक्शन फॉर विच क्या लिखे हम? रेंज इज सबसेट, नहीं बोलूंगा सबसेट, मतलब तो जैसे मैंने बताया था क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है, बट प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है, रेंज हमेशा छोटा है कोडोमेन से। तो रेंज इज प्रॉपर, याद रखना ये PROPR, प्रॉपर सबसेट, इफ रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो इधर मैं अगर ये लगाता ना, ये होता है सबसेट, ये इक्वल टू वाली लाइन हटा दी, मतलब हमेशा छोटा है। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरा रेंज और कोडो, रेंज हमेशा छोटा है कोडोमेन से। इसका मतलब जैसे अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ये लेट से मेरा अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है, और लेट से ये मेरा बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, और चलो ये बीटा 3 है। तो लेट से अल्फा 1 बीटा 1 से रिलेटेड है, अल्फा 2 बीटा 2 से, और अल्फा 3 भी बीटा 2 से है। तो ये फंक्शन मेरा क्या होगा? इनटू। क्यों? क्योंकि यहां क्या है, रेंज के अंदर दो एलिमेंट है, बीटा 1 एंड बीटा 2, और कोडोमेन क्या है हमारा? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो यू कैन सी हियर, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि रेंज के अंदर तो क्या है, बीटा 1 बीटा 2, और कोडोमेन के अंदर क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। समझ में आया? तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एंड प्री इमेजेस वगैरह के टर्म्स में मैं क्या बोलूं? चलो उसके पहले एक और तरीके से मैं कैसे डेफिनेशन बोल सकता हूँ, द फंक्शन फॉर विच देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कोडोमेन विच इज नॉट पार्ट ऑफ रेंज। क्या लिखा? देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट in codomain set which is not a part of range, that's it। जैसे हमें मिला इधर एक, कम से कम एक एलिमेंट बीटा 3 मिल गया, which is not part of range, बीटा 3 रेंज का पार्ट नहीं है। समझ में आया? अच्छा अब इसको प्री इमेजेस के टर्म्स में कैसे बोलूं मैं, there is at least one element in codomain set which does not have pre-images। जैसे beta 2 की भी pre-image है, दो pre-image है, alpha 2 alpha 3, beta 1 की भी pre-image है, alpha 1, क्या beta 3 की pre-image है? नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा लिख लें, there is at least one element in codomain set, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ऐसे लिख लो, यहाँ से मैं यहाँ तक का definition change कर रहा हूँ, और third definition क्या हो जाएगा, that there is at least one element in codomain set which is not having any pre-image, which is not, तुम प्रॉपर लिखना यहां से, ठीक है ना, which is not having
विच इज नॉट हैविंग प्री इमेज. आई होप क्लियर हो गया होगा. बट सिंपल ये तो मतलब इमेजेस और प्री इमेजेस के टर्म्स वगैरह मुझे बोलना था. बाकी मेन डेफिनेशन तो हम ऐसे याद रखेंगे कि रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होगा. दैट्स इट. क्लियर है बच्चों? अच्छा तो रेंज हमेशा जब छोटा होगा तब हमारा हुआ इनटू. तो डेफिनेटली एक क्या बचा आप हमारा जब बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूं. ठीक है? तो मैंने इसको रब कर रहा हूं. मैंने क्या बोला? द फंक्शन फॉर विच रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. तो मैं क्या लिखूंगा? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. बहुत सिंपल. समझ में आया? अच्छा इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं और इमेजेस वगैरह के टर्म्स में. हाँ, द फंक्शन फॉर विच एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव अ प्री इमेज. एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन सेट विल हैव अ प्री इमेज. क्लियर हुआ बच्चों? मतलब कोडोमेन का जो सेट है ना उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए. तो क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स रेंज में आ जाएंगे क्योंकि वो किसी के इमेजेस हैं और इमेजेस के कंप्लीट सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज. तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे. अच्छा तो इसका एक और नाम है, एक और नाम लिख लो, ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड, जो जनरली बुक्स में मिलेगा और जनरली क्वेश्चन क्या आएगा यही नाम से आएगा. मैं लिख रहा हूँ ऑन टू फंक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में मोस्टली इस नाम से रेफर होगा. ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सरजेक्टिव. सर जी ई सी टी आई वी सरजेक्टिव फंक्शन. ऐसे लिख लो सरजेक्टिव फंक्शन. ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सरजेक्टिव फंक्शन. तो मतलब ऐसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सरजेक्टिव. तो सरजेक्टिव मतलब है ऑन टू मतलब होना चाहिए. तो ये नाम अगर मान लो तुम सब इनटू ऑन टू सब पता है और तुम्हें मालूम मैंने ये मिस कर दिया पॉइंट. ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव बोलते हैं और एग्जाम में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव. ऑल दो मुझे पता है फ्लो आंसर्स पता है कैसे प्रोसीड करते हैं बट ये टर्म नहीं पता तो पूरा मिस हो जाएगा मेरा. हाँ अगर ऑन टू लिखा होता तो मैं क्लियर हो जाता. इसलिए दोनों नाम याद रखे, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव. जैसे आगे भी हम क्लासीफाई करेंगे वन वन मैनी वन तो उधर अलग नाम होते हैं. ठीक है ना? तो हर एक का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव भी है. तो इसका ऑन टू का क्या है? सब्जेक्टिव. क्लियर है बच्चों? चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनटू ऑन टू पे. तो अच्छा एक नोट करके और लिख लेते हैं कि जो हमारा ऑन टू फंक्शन है, जो इनटू ऑन टू के फंक्शन होंगे बेसिकली क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे. जैसे हमें ऐसा होगा फाइंड वेदर द फंक्शन इज इनटू और ऑन टू. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू रेंज का क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शन दिया होगा हम क्या करेंगे उसमें वो क्या देगा हमें? डोमेन देगा, कोडोमेन देगा और फंक्शन देगा. हम क्या करेंगे उस फंक्शन का रेंज निकालेंगे फॉर द गिवन डोमेन और फिर देखेंगे कि रेंज कोडोमेन के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो हमारा ऑन टू, नहीं आ रहा तो इनटू. तो ओवरऑल जो इनटू ऑन टू का जो क्वेश्चन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द रेंज. समझ में आया? तो ऐसे लिख लो कि क्या करेंगे हम नोट करके फॉर इनटू ऑन टू क्वेश्चन. फॉर इनटू ऑन टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम? फर्स्ट फाइंड रेंज फॉर द गिवन डोमेन. ऑफकोर्स फॉर द गिवन डोमेन, ओवरऑल रेंज नहीं लेना फॉर ऑल रियल एक्स. जो हो सकता है वो डोमेन को कर्टेल कर दे. तो क्या लिखूंगा? फॉर इनटू ऑन टू क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड रेंज फॉर गिवन डोमेन एंड देन कंपेयर इट विथ देन कंपेयर इट विथ कोडोमेन. फिर कमेंट करना हमें कि अगर बराबर आ गए तो ऑन टू, नहीं आए तो इनटू. तो ओवरऑल क्या बोल सकते हो तुम? लिख भी लोगा लिखना है तो तुम्हें लैंग्वेज के टर्म्स में कि इनटू ऑन टू क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेंज, क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द रेंज. क्योंकि हमें कुल मिला के रेंज निकालनी है और आखिरी स्टेप तो बहुत छोटा सा ना, बराबर आ गया वो तो कोई भी देख लेगा ना कि बराबर आ गया तो ऑन टू, नहीं आया तो इनटू. ठीक है? मेन टास्क इज टू फाइंड द रेंज. ठीक है? तो अब हम फॉर्मली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है? तो मैं इसको रब कर देता हूं.
ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखना। मैंने लिखा एग्जांपल इज फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस टू आर, और फंक्शन डेफिनेशन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स, फाइंड वेदर एफ एक्स इज इन टू और ऑन टू फंक्शन, फाइंड वेदर एफ एक्स इज इन टू और ऑन टू, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूं, केवल मुझे कंसंट्रेट किस पर करना है, जैसे मैंने अभी लिखवाया था रेंज निकाल लेते हैं, अगर रेंज भी कोडोमेन के बराबर आ गया, कोडोमेन इधर क्या है हमारा आर, आर प्लस इस रेंज डोमेन सॉरी डोमेन, तो इस डोमेन के लिए मैं इस फंक्शन का रेंज निकालूंगा, अगर वो आर के बराबर आ गया, आर मतलब ऑल रियल वैल्यूज आ गई, इसका मतलब वो कोडोमेन के बराबर आ गया, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो अब मेरे को टास्क क्या है मेरा, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, इसका रेंज निकालो फॉर दिस गिवन डोमेन, डोमेन को कटेल किया है, इसका डोमेन तो क्या, अगर मैंने बोला इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इसमें जीरो के अलावा सब कुछ रख सकते हैं, तो एक्चुअली डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, बट उसने क्या किया, डोमेन को कटेल कर दिया, उसने केवल बोला जीरो ओपन से इंफिनिटी आर प्लस, ठीक है। तो अब मैं सॉल्यूशन देखना, मैंने क्या बोला कि इसको हमें रेंज निकालना है, तो कैसे करें, तो देखो अब हम इसको कैसे करें, तो डेरिवेटिव वाले मेथड से ट्राई करते हैं। तो मैंने लिखा एफ एक्स मेरा क्या है एक्स माइनस वन बाय एक्स, तुम्हें और कोई मेथड समझ में आ रहा है, तो यू कैन ट्राई इट अदर मेथड्स आल्सो, ये और भी मेथड से ट्राई हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर से भी ट्राई हो जाएगा, जैसे वाई इज इक्वल टू इसका एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम लोग उससे भी करना, मैं कैसे कर रहा हूं डेरिवेटिव वाले मेथड से, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, अब दिख रहा है फॉर वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर फॉर आर प्लस फॉर गिवन डोमेन दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है एफ इज इंक्रीजिंग, अच्छा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फॉर दिस गिवन ऑफ डोमेन आर प्लस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसे लिख लो ऑल्सो ऑल्सो फॉर गिवन डोमेन ऑल्सो फॉर गिवन डोमेन एफ इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी है एंड फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अगर मेरा डोमेन अल्फा से बीटा होता है तो हम रेंज क्या लिखते हैं एफ अल्फा से एफ बीटा, तो मेरा डोमेन क्या है जीरो से इंफिनिटी, दिस इज माई डोमेन, दिस इज माई डोमेन अल्फा से बीटा दैट इज, तो मैं रेंज क्या लिखूंगा, रेंज में लिखूंगा एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ बीटा, अब जीरो और इंफिनिटी रख के देख लेते हैं, तो मैंने पुट जीरो, यू कैन सी जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो इंफिनिटी होगा बट एक माइनस लगा है तो जी क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, एक्चुअली हम आगे चल के लिमिट्स पे देखेंगे, वन अपॉन जीरो एक्चुअली ये एफ जो जीरो है ये ओपन है ना, तो ये भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो होता है तो वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, बट दिस इज दिस जीरो एक्चुअली दिस जीरो मींस मतलब इधर जो हमने जीरो रखा है ना, इधर जो मैंने एग्जैक्ट जीरो रखा है एक्चुअली दिस जीरो मींस 0.0000000 इंफिनिटी टाइम्स लिख दिया और फिर वन लिख दिया, बहुत छोटा नंबर है, तो वन अपॉन बहुत छोटा नंबर बहुत बड़ा नंबर होगा और उसके आगे माइनस लगा है तो माइनस इंफिनिटी, और एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा दिस इज इंफिनिटी माइनस वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा तो इंफिनिटी माइनस जीरो इज इंफिनिटी, दिस इज इक्विवेलेंट टू आर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वाला आर, तो रेंज हमारा क्या आ गया ऑल रियल वैल्यूज, और कोडोमेन क्या था गिवन क्वेश्चन में आर, तो कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, तो लिख लो इधर सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हेंस फंक्शन इज ऑन टू, दैट इज नाउ ए सब्जेक्टिव, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि याद हो जाएगा, हम रिपीट करते रहेंगे बार बार, तो एस यू आर जे ई सी टी आई वी ई सब्जेक्टिव, क्लियर है बच्चों, चलो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, इनटू ऑनटू फंक्शन, एंड टुडे आई विल सेंड यू द शीट ऑफ फंक्शन, ठीक है, नहीं तो कल आज कल, हाँ ठीक है आज ही सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है।
सो दैट यू कैन स्टार्ट विद जो भी उसमें डीपीपी का सीक्वेंस है, पहले रेंजेस को डोमेन के ऊपर होगा, फिर क्लासिफिक इन टू वन टू वगैरह, वैसे तुम्हें फ्लो में जाना है. तो क्वेश्चन इज देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी एंड एन ऑफ ए. एन ऑफ ए मतलब हेयर, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. लेट्स से दिस इज एन वन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज एन टू. Then find whether F is into comma onto comma both possible for following cases. For मैं अभी explain करूंगा, पहले लिख लो इसको. For following cases. फर्स्ट केस है एन वन ग्रेटर देन एन टू, सेकेंड केस है एन वन इक्वल्स टू एन टू, और थर्ड केस बचा हमारा क्या बचा, एन वन लेस देन एन टू. ठीक है, तो इसको समझते हैं क्वेश्चन. तो उसने क्या बोला है, एक फंक्शन है जो डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो सेट ए क्या मेरा डोमेन, सेट बी इसको डोमेन, और उसने बोल दिया कि ए के अंदर एन वन एलिमेंट है, बी के अंदर एन टू. अब वो क्या बोल रहा है, इन सब कंडीशन में लेट से केस वन एन वन इज ग्रेटर एन टू, क्या फंक्शन इन टू वन टू दोनों पॉसिबल है, कि केवल इन टू पॉसिबल है केवल ऑन टू पॉसिबल है, वो निकालना हमें. तो लेट्स स्टार्ट विद द वन फर्स्ट वन. तो मैंने क्या लिखा, एन वन इज ग्रेटर है तो मैं इसके अंदर तीन एलिमेंट्स ले लेता हूँ, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और एन टू छोटा है तो मैं इसके अंदर दो ही एलिमेंट लेता हूँ, बीटा वन बीटा टू. अब मैं फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ इन टू एंड ऑन टू. ठीक है ना, तो पहला देखना. अब मुझे पता है पहली बात फंक्शन बनाना है तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री चारों को मुझे मैप, तीनों को मुझे मैप करना पड़ेगा. तो देखना क्या पॉसिबिलिटी, एक तो मैंने इसको ऐसे मैप कर दिया, इसको भी इससे मैप कर दिया, और इसको इससे कर दिया. तो देखो दो अल्फा का सेम इमेज तो हो सकता है, दिस इज प्रॉपर फंक्शन. हाँ, एक अल्फा के दो इमेजेस नहीं हो सकते. तो फंक्शन है क्योंकि तीनों एलिमेंट यूज हो रहा है, बिल्कुल यूनिकली रिलेटेड है, बिल्कुल. तो फंक्शन तो है. अब आते हैं इन टू या ऑन टू पे, क्या कोई कोडोमेन का एलिमेंट छूट रहा है जिसकी प्री इमेज ना हो, नहीं. हैंस दिस इज ऑन टू. अब इसी को मैंने इनटू बनाया. इनटू तो कैसे ही बना सकते, अब देखना. जैसे मैंने ले लिया अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, बीटा वन बीटा टू, तो मैंने कहा कि तीनों को इसी से रिलेट कर दिया, दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन. अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तीनों का इमेज है बीटा वन है, और अब क्या है कि हमारा बीटा जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटा है, क्योंकि रेंज के अंदर तो एक ही एलिमेंट है बीटा वन, कोडोमेन में दो एलिमेंट है. हैंस दिस इज व्हाट इनटू फंक्शन, इन टू फंक्शन. तो क्या सीखा हमने कि केस वन के लिए दैट इज अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में ज्यादा होंगे बी से, तो हम इन टू भी फंक्शन बना पाएंगे, ऑन टू भी बना पाएंगे. क्लियर है, सेम हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट टू के लिए. तो मैं थर्ड वाले पे कर रहा हूं, दूसरे वाले के लिए तुम कर लेना, इजी है क्योंकि इधर भी तीनों एलिमेंट्स लोगे. चलो कर ही देता हूं, फास्ट करता हूं थोड़ा. अब देखना मैं थोड़ा फास्ट इसको कर रहा हूं. तो मैं तीन तीन एलिमेंट्स ले लेता हूं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, और फिर इधर भी दो, दूसरा केस के लिए इधर भी ले लिया अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री. तो मुझे क्या बनाना है, पहली बात मुझे बनाना है, पहले चलो मैं इनटू बनाता हूँ. तो इनटू के लिए तो बहुत आसान होता है, सारे एलिमेंट्स को एक ही जगह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज इनटू. मैंने इनटू ऑन टू पे सोचना है, ऑन टू बनेगा या नहीं. तो बनाना स्टार्ट किया, मुझे क्या चाहिए, तीनों एलिमेंट का इमेज, तीनों एलिमेंट आना चाहिए, और प्लस मैं एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं कर सकता, तो एक को एक कर देता हूं बस. तो ये हर एक एलिमेंट यूज हो गया कोडोमेन का. हाँ, मतलब कहने का मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर हो गई. सो दिस इज ऑन टू. तो पहले दोनों केस में इन टू वन टू दोनों पॉसिबल है. अब थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाला केस देखना. इसमें क्या, एन वन छोटा है, तो एन वन छोटा है तो इधर मैंने दो ही एलिमेंट लिए अल्फा वन अल्फा टू, और एन टू बड़ा है तो लेट से मैंने इधर तीन एलिमेंट लिए बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री, और इधर भी मैंने इधर मैंने लिया अल्फा वन अल्फा टू और लेट से बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री. तो जैसे मैंने बताया इनटू तो हर एक में पॉसिबल होता है. तो देखो इनटू के लिए मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, मैंने बोला सभी को एक ही पे मर्ज कर दो, मैप कर दो. तो ठीक है, ये मेरा इनटू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर फंक्शन है, और मेरा जो रेंज है वो छोटा है कोडोमेन से, तो इनटू तो पॉसिबल है. अब तुम ऑन टू कोशिश करो इसको बनाने की. देखो ऑन टू के लिए क्या होगा,
कि इधर तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, और तीनों के तीनों एलिमेंट्स यूज होना चाहिए, मतलब तीनों के तीनों एलिमेंट्स रेंज का पार्ट होना चाहिए। तो ऐसा है, और सिंस इधर दो ही एलिमेंट है तो क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे जैसे मान लो तुमने इसको इससे मैप कर दिया, इसको इससे मैप कर दिया, अब तुम बीटा थ्री हमारा छूट जाएगा ना, अगर तुम बीटा थ्री को अल्फा वन से मैप किया या फिर अल्फा टू से मैप किया तो तू फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक अल्फा के लिए दो इमेजेस तो हो ही नहीं सकती ना, तो और तो बीटा थ्री इधर छूट गया, तो ऑन टू इज नॉट पॉसिबल, ऑन टू इज नॉट पॉसिबल। कब पॉसिबल नहीं है, जब हमारा एन वन एन टू से छोटा है। एन वन था क्या, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन टू इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। क्लियर हो बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूं, ठीक है, चलो। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन इज लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम अल्फा कॉमा इन्फिनिटी टू फोर कॉमा इन्फिनिटी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का जेई में पूछा है, तुम्हारे शीट में भी तुम्हें मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। एफ डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x plus 5, then find maximum possible value of alpha, then find maximum possible value of alpha if fx is onto, if fx is onto, ठीक है। वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, ज्यादा सीखने मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला उसने कि एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, और फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो पहले एक काम करते हैं, हम फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं उस फंक्शन के। तो ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसके रूट्स दिख रहे हैं, सम ऑफ रूट इज 6, प्रोडक्ट इज 5, तो 1 एंड 5 है रूट्स, तो ये हो गया 1 और ये हो गया लेट्स से 5। तो कर्व हमारा ऐसा कुछ तो होगा, दिस इज माय कर्व। अच्छा, क्या ये जो मैंने ओवरऑल बनाया, क्या जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन उसका ग्राफ है? नहीं, एक्चुअली ये तो मैंने केवल इस पूरे पार्ट को हटा दो, केवल एफएक्स का ग्राफ बनाया है। अगर मान लो ये भी इनकॉर्पोरेट करना है तो ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है। अभी हम इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या उसने बोला है? मुझे बोला अल्फा बोला है। अब देखो उसने क्या बोला है कि रेंज जो हमारा कोडोमेन है ना वो 4 टू इन्फिनिटी है, कोडोमेन 4 टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है कि जो रेंज होगा हमारा इसी का सबसेट होगा, रेंज विल बी सबसेट ऑफ दिस। तो 4 कॉमा इन्फिनिटी मेरा, तो लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, तो मेरा जो रेंज है वो यहां से लेके ये मैं y एक्सिस पे वो बना रहा हूं ग्राफ का प्रोजेक्शन, जो मैं शेड लाइन बना रहा हूं, दिस इज 4, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए, ठीक है, पहली बात तो। अच्छा, अब मैंने क्या किया, पहले ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ये वाले, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, लेट्स से मैं इसको x1 बोल रहा हूं, इसको x2 बोल रहा हूं, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, पहली बात तो तुम y इज इक्वल टू 4 और पैराबोला को सॉल्व करो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या है, y इज इक्वल टू 4 एंड पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, किसको, पैराबोला, दैट इज x square minus 6x plus 5 is equal to 4. तो इधर से आया x square minus 6x plus 1 is equal to 0. तो रूट निकाल लेते 6 plus minus under root of 36 minus 4 by 2. तो 6 plus minus root 32 by 2. 6 plus minus root 32 is 4 root 2 by 2. तो इधर से आया 3 plus minus 2 root 2. ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 2 32, करेक्ट है। तो इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स नेगेटिव वाली, तो 3 माइनस 2 रूट 2, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, जस्ट लेट मी चेक इट, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, ये मेरा y इज इक्वल टू 4 था, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
माइनस फोर करेक्ट है, रूट 32, तो 6 प्लस माइनस कुकी कुछ तो 6 प्लस माइनस रूट 32, तो रूट 32 हमारा क्या होगा, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 करेक्ट है। ठीक है, तो एक मेरी ये वैल्यू हो गई, एक मेरी ये हो गई 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना अगर तुम्हें लगे कोई मिस्टेक, बाकी अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों रूट्स हो गए मेरे। ठीक है, अब मैंने अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब चीज मेन पार्ट है हमारा। अब क्या है कि मुझे अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर अगर तुमने अल्फा की वैल्यू सुनना x2 से ज्यादा ली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम अल्फा कॉमा इंफिनिटी से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो मैंने अल्फा की वैल्यू x2 से ज्यादा ली, लेट से यहां से ली, दिस इज अल्फा, तो क्या होगा मेरा डोमेन का पार्ट, ये डोमेन होगा अल्फा टू इंफिनिटी, मतलब मेरा ग्राफ क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। क्लियर है बच्चों, ये पार्ट आएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन के बराबर नहीं आएगा 4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाला अगर मैंने ये वाला अल्फा लिया तो वो इधर से आएगा ना, यहां से इतना पार्ट छूट जाएगा, बट मुझे तो फंक्शन ऑन टू बनाना है। ऑन टू बनाना है मतलब क्या है, मुझे रेंज और कोडोमेन को बराबर करना है, तो रेंज 4 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर तुमने अल्फा की वैल्यू x2 से ज्यादा ली, मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 से ज्यादा ली, इस साइड लिया अल्फा को, तो यू कैन सी कि ग्राफ का जो पार्ट है, जो ग्राफ का पार्ट कवर होगा उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो 4 टू इन्फिनिटी नहीं होगा, उससे कम होगा, यू कैन सी यहां से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा में क्या ले सकते हो, x2। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने मैक्सिम अगर अल्फा से x2 से बड़ा लोगे तब तो काम नहीं चलेगा। हाँ x2 से छोटा लोगे तो कितना भी छोटा ले लो चलेगा, जैसे मैंने मान लो अल्फा को वैल्यू इधर ली, अल्फा की वैल्यू इधर ली, एक मिनट, नहीं ये भी नहीं चलेगा, अल्फा शुड बी, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक इट। ये होगी मेरी अल्फा की वैल्यू, सुनना ध्यान से क्या बोला मैं, कि मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये मेरा फंक्शन क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। अच्छा तो ऑन टू मतलब क्या हो गया, मतलब मुझे डोमेन को सॉरी अपना कोडोमेन को रेंज के बराबर करना है, तो कोडोमेन दिया है 4 टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने अल्फा 2 को x2 से बड़ा ले लिया तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी मेरी, कि जो ग्राफ आएगा ना, लेट से मैंने x2 को ले लिया, चलो ये मान लो 6 के आसपास आ रहा है, जिसको मैंने 8 लिया, तो 8 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी 4 से बड़ी आएगी, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, लेट से 6 आई तो 6 टू इन्फिनिटी, विच इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग इन द सेंस फंक्शन तो है वो, बट ऑन टू नहीं है, वो इन टू हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए कि रेंज होना चाहिए 4 टू इन्फिनिटी आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को अल्फा क्या लेना पड़ेगा, अल्फा शुड बी मैक्सिमम 3 प्लस 2 रूट 2 ले सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा अब मैंने बोला सर मैक्सिमम 3 प्लस 2 रूट 2 ले सकते हैं, कि 3 प्लस 2 रूट 2 केवल ले सकते हैं, जस्ट थिंक इट, मैंने बोला कि केवल 3 प्लस 2 रूट 2 ले सकते हैं, कि 3 प्लस 2 रूट 2 से छोटा ले सकते हैं, मैक्सिमम तो ये लेंगे पक्की बात है, क्योंकि इससे बड़ा नहीं ले सकते, ये तो अभी तक के एक्सप्लेनेशन में क्लियर हुआ कि वी कैन नॉट टेक अल्फा ग्रेटर देन 3 प्लस 2 रूट 2। अब बताओ छोटा ले सकते हैं कि नहीं, तो आंसर मिलेगा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसको हम दोबारा इस साइड में ग्राफ से समझते हैं। लेट से ये मेरा ग्राफ था, ये था, ठीक है, और मेरा लेट से चलो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस पे वैल्यू मेरी 4 थी, और लेट से ये 3 प्लस 2 रूट 2 था। ठीक है, अब मैंने बोला अगर तुमने 3 प्लस 2 रूट 2 से छोटा ले लिया अल्फा की वैल्यू, तो क्या होगा, लेट से मैंने ये ले ली, चलो इधर ले लेते हैं, इतना छोटा ले लेते हैं, कहीं भी लो छोटा लेना है, तो मैंने लेट से इधर ले लिया अल्फा की वैल्यू, तो क्या होगा अल्फा की वैल्यू के लिए ग्राफ क्या आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा इस अल्फा के करस्पॉन्डिंग, तो इसका जो रेंज होगा वो यहां से लेके पूरा इंफिनिटी तक होगा, तो जो रेंज है वो कोडोमेन से बड़ा आ गया, कोडोमेन तो 4 टू इन्फिनिटी है, और मैंने बताया कि रेंज जो होना चाहिए हमेशा कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए, तो क्या हो गया फंक्शन ही नहीं रहा ये, तो इसका मतलब अल्फा की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसने मैक्सिमम कंफ्यूजन करने के लिए बोल दिया है, फाइंड मैक्सिमम, तो ऐसा बोलना चाहिए फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, तो भी एक ही आएगी, या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे तो भी एक ही आएगी। क्लियर हो बच्चों? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क। आज मतलब ये समझ लो कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो बहुत बेसिक था, आज से एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट हुई है, और जो इनटू ऑन टू फंक्शन जो हमने देखा, क्लासिफिकेशन किया, इमेजेस वगैरह ये सब पढ़ा, प्री इमेज, ये सब बोर्ड में भी यूजफुल है। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, और
दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.